जय श्री शंभू। नमस्कार, मैं सुमेन कोले हूँ। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली में। मेरा साथ अभी जो है, जो प्राकृतिक खेती के बारे में आप सभी जानते हैं, डॉक्टर सुभाष पलकर सर है, तो उसका साथ मैं आज काफ़ी देर तक चर्चा किया है कि प्राकृतिक खेती के काम को आगे ले जाने के लिए पूरा बंगाल के साथ साथ पूरा नॉर्थ ईस्ट में हम लागू करने के लिए जा रहा हूँ। तो सर के साथ जो मेरा डिस्कस हुआ है, उसी के दौरान मैं सर के साथ कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ कि सर, मेरा पहला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक खेती एक्चुअल है क्या? देखिए, प्राकृतिक खेती नाम की कोई भी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में अस्तित्व में नहीं है। जो भी मेरी विधि को प्राकृतिक कहता है, वो देश को गुमराह कर रहा है। क्योंकि प्राकृतिक माने जो प्रकृति में अस्तित्व में हो। आप कोई भी दुनिया की टेक्नोलॉजी लीजिए, कृषि टेक्नोलॉजी, चाहे वो रासायनिक हो या जैविक हो या सुभाष पालेकर कृषि हो, उसमें जोताई है, कल्टीवेशन है, प्रकृति में कल्टीवेशन नहीं है। इस सारी मानवीय टेक्नोलॉजी में सीड बीज बोआई है, वहाँ जंगल में प्रकृति में बीज बोआई नहीं है। यहाँ रोपाई है, वहाँ रोपाई नहीं है, ट्रांसप्लांटिंग नहीं है। यहाँ सिंचाई है हमारी विधि में, वहाँ सिंचाई नहीं है। यहाँ निराई गुड़ाई है, वहाँ निराई गुड़ाई नहीं है, वीडिंग में नहीं है। यहाँ छिड़काव है, वहाँ छिड़काव नहीं है। इसका मतलब है मेरी विधि में, जिसका नाम मैंने सुभाष पालेकर कृषि रखा, जिसमें बीजामृत, घन जीवामृत, जीवामृत, आच्छादन वापसाई उसके मानक है, साधन है, उनको सुभाष पालेकर कृषि नाम रखा है। प्राकृतिक कृषि नहीं रखा है, क्योंकि प्राकृतिक कृषि नाम की कोई अस्तित्व में नहीं है। अगर मेरी विधि में जो मैं कर रहा हूँ वो प्रकृति में अस्तित्व में नहीं है, तो मेरी विधि प्राकृतिक कैसे बन सकती है? इसका मतलब है ये गलत प्रचार कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं प्राकृतिक कृषि कहने। नंबर दो, मेरी विधि का नाम है सुभाष पालेकर कृषि। अगर आपके पास एक देशी गाय है, तो मेरी विधि से, कृषि विधि से आप 15 से लेकर 30 एकड़ खेती कर सकते हैं। आपको गोबर का खाद डालने की आवश्यकता नहीं, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट डालने की आवश्यकता नहीं, आपको रासायनिक खाद डालने की आवश्यकता नहीं, आपको दुनिया में जो भी है कोई भी खाद नाम की चीज़ डालने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि जो कृषि वैज्ञानिक बता रहे कि खाद जड़ों का खाद्य होता है, पौधों का खाद्य होता है, वो झूठ है। वास्तव में कोई भी खाद किसी भी पौधे का भोजन नहीं है। भूमि हमारी अन्नपूर्णा है। सुभाष पालेकर कृषि में भूमि में जो कुछ है उसको पका कर जड़ों तक पहुंचाने के लिए हम जीवामृत, घन जीवामृत के माध्यम से सूक्ष्म जीवाणु भूमि में डालते हैं। ईश्वर ने उनको ठेका दिया है पकाने का। वो जो है भूमि में विशाल मात्रा में है, जड़ों को उपलब्ध नहीं है, लेकिन पकाया हुआ नहीं, पकाने का काम सूक्ष्म जीवाणु करते हैं और जड़ों को पकाकर खिलाते हैं। तो खाद डालने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है? एक खाद डालने का जो सवाल पैदा किया है, ये सारा किसानों को लूटने की विधि है। जब भी कोई किसान कुछ खरीदता है तो उसका जेब लूटी जाती है, उसकी अर्थव्यवस्था लूटी जाती है। सुभाष पालेकर कृषि में खाद डालने की आवश्यकता ही नहीं है। हम ह्यूमस के माध्यम से पेड़ पौधों में प्रतिरोध शक्ति सक्रिय बनाते हैं, कार्य क्रियाशील बनाते हैं, उसको बलवान करते हैं। तो मेरी विधि में फसलों पर कीट बीमारियां आती नहीं। अगर आती है तो हमारे ही घर में हम दवा बनाते, वनस्पति से लेकर गोमूत्र से उनका निराकरण हो जाता है। हम देशी बीज का उपयोग करते हैं, संकर बीजों का उपयोग नहीं करते और जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों का उपयोग नहीं करते, क्योंकि हमने सिद्ध कर दिया है कि सुभाष पालेकर कृषि में देशी बीजों से, संकर बीजों से और जनुक रूपांतरित माने जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों से ज़्यादा उत्पादन मिलता है। लागत का मूल्य न्यूनतम है, उत्पादन घटता नहीं, उत्पादन बढ़ता है। जबकि मेरी विधि से पैदा जो भोजन है वो जल मुक्त है, पोषण मूल्य से संपृक्त है, कोरोना, डायबिटीज, कैंसर आदि जानलेवा बीमारी से वो दूर रखता है। इसका मतलब है जो शरीर उपभोक्ता है वो ज़्यादा दामों में खरीदने के लिए तैयार है। हम ज़्यादा दाम लेते नहीं, जो रासायनिक के दाम लेते हैं उसमें हम बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोगों में उसकी रुचि बढ़े।
तो अगर सुभाष फलकृषि में न्यूनतम लागत में रासायनिक से उत्पादन ज़्यादा मिलता है, लागत का मूल्य बहुत कम होता है और 10% पानी में खेती होती है मेरी विधि में। अगर आप रासायनिक खेती में 100 लीटर पानी देते हो तो सुभाष फलकृषि में केवल 10 लीटर पानी से काम चलता है, क्योंकि हम भूमि का पानी कम लेते हैं, कुएं का पानी कम लेते हैं, कैनल का पानी कम लेते हैं, हवा का पानी ज़्यादा लेते हैं। और इसका मतलब है 10% पानी में अगर ये फसल अच्छी आती है, अकाल में हमारे पौधे मरते नहीं, रासायनिक के मरते हैं, अकाल में सूखते नहीं, तो जो भी हमारा कृषि उपज है हम सीधा मंडी में बेचते नहीं, क्योंकि मंडी में शोषण है, मंडी में लूट है। हम हमारे किसान घर में प्रक्रिया करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और जो प्रक्रिया खुद जो पदार्थ है, भोजन पदार्थ, सीधा शहरी उपभोक्ता को बेचते हैं। बिचौलों का हमने ख़त्म कर दिया है। मैं एक उदाहरण दूंगा, अगर कोई टमाटर रासायनिक किसान पैदा करता है तो उसका लागत का मूल्य 20 रुपये किलो है, मंडी में उसको 22 रुपये मिलते हैं, घाटे में हॉकर क्या करता है, वो हाथगड़ी वाला, वो 5.5 रुपये में खरीदता है वो दलाल से, और पॉश कॉलोनी में 40 रुपये किलो बेचता है, यानी 35 रुपये किसान को नहीं मिल रहे, बिचौलों को ही मिल रहे। हमारा किसान क्या करता है कि तू रासायनिक जहरीला टमाटर क्या भाव से ले रहा है, 40 रुपये, मेरा 40 रुपये, तो मज़े से खरीदता है, क्योंकि हमारा लागत का मूल्य तो 0 है, लगभग न्यूनतम है, उनका लागत का मूल्य ज़्यादा है, तो हमें मुनाफा ही है ना। तो इससे हमारे उपभोक्ता वर्ग बढ़ता है। वही टोमेटो ये उद्योग करने वाले क्या करते हैं, 5.5 में खरीदते हैं, उसका टोमेटो सॉस बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, उसका अचार बनाते हैं, 150 रुपये में किलो में बेचते हैं, यानी वैल्यू एडिशन में किसान मर जाता है, उसको लूटा जाता है, लेकिन ये जो प्रक्रिया करने वाले उद्योग है उसका मुनाफा बढ़ता है। हम क्या करते हैं, हमारी कोई भी उपज हम मंडी में नहीं बेचते, सीधा उपभोक्ता को बेचते, प्रक्रिया करने के बाद बेचते, तो सारा पैसा किसानों के पास आ जाता है। मुझे बताइए, देशी बीजों से उतना ही उत्पादन मिलता है, ज़्यादा उत्पादन मिलता है जितना संकर बीजों से मिलता है, तो संकर बीज क्यों खरीदे? अगर देशी बीजों से जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जनुक रूपांतरित बीजों से ज़्यादा उत्पादन मिलता है तो हम जेनेटिक मॉडिफाइड बीज GM सीड क्यों खरीदे? ये मेरा सवाल है। बीज खरीदना नहीं है, हमारे बीज हम खुद तैयार करते हैं, और हमारे गाय और बैल से जो गोबर गोमूत्र मिलता है उससे जीवामृत बनाते हैं, घने जीवामृत बनाते हैं, वो घर में पैदा होता है, वो डालते हैं और जीवामृत का छिड़काव करते हैं, कोई खाद डालते ही नहीं, दवा कर छिड़कने के लिए कोई बाहर की दवा खरीदते ही नहीं, बीज भी खरीदते नहीं है, और पानी तो 10% चाहिए। तो मुझे बताइए, लागत का मूल्य तो बहुत कम हो गया ना, न्यूनतम हो गया, तो कर्जा निकालने की आवश्यकता ही कहाँ है? ये सारे सरकारें कर्जा माफ़ करती है और बैंकों को आदेश देती है कि उनको प्रति एकड़ ज़्यादा कर्जा देने की व्यवस्था करो, यानी बार बार कर्जा आप उनको थोपते हो और कर्जा माफ़ी की भी बात करते हो। किसान कभी भी कर्जे से मुक्त नहीं होता, और कोई भी सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि हर साल वो कर्जा माफ़ी देगी। किसान को खुद खड़ा करने के लिए ये आंदोलन होना चाहिए, वो हम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, हम चाहते हैं कि जितने भी किसानों के संगठन है भारत में, ठीक है आपका आंदोलन आप चलने दीजिए, मुझे मैं उसके बारे में गलत नहीं कहूँगा, लेकिन साथ साथ में आपको किसानों को खड़ा करना पड़ेगा। इसके हम प्रयास कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की कटाई के बाद जो पराली जलाई जाती है उससे पर्यावरण का बहुत विनाश होता है, भूमि का भी विनाश होता है। अब मैं बताता हूँ आपको, मैं कैलकुलेशन किया है कि 1 किलो गेहूँ अगर रासायनिक कृषि में पैदा करते हैं तो उसका लागत का मूल्य 40 रुपये है, सरकार आपको 20 रुपये दे रही है, 20 रुपये तो घाटा है। इसीलिए पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के या मध्य प्रदेश के किसानों पर बैंकों का ऋण है, साहूकार का ऋण है। ऋण क्यों है अगर मुनाफा है तो? इसका मतलब है उनको मुनाफा नहीं है, उनको घाटा है। वही गेहूं सुभाष पालेकर विधि में
देसी गेहूँ हम पैदा करते हैं, 60 रुपये किलो किसानों को बेचते हैं, 80 रुपये किलो आटा बेचते हैं घर में, पता है घर की चक्की में तैयार किया हुआ, तो मुनाफा ही हो गया ना। और 1 एकड़ का मॉडल हम खड़ा कर रहे हैं पालेकर फूड फॉरेस्ट। हम क्या कर रहे हैं, अभी करने जा रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, जहाँ हरित क्रांति है, बिहार, वहाँ किसानों के 2 मॉडल खड़ा करने रहे। एक है धान और गेहूँ रासायनिक पद्धति से वो करे, उसका हम मूल्यांकन करेंगे। 1 बीघा सुभाष पालेकर कृषि का 5 लेयर मॉडल, पालेकर फूड फॉरेस्ट मॉडल। तो जो फूड फॉरेस्ट मॉडल खड़ा करेगा तो पहले साल 1.5 लाख रुपये उसको मिलेगा 1 एकड़ में, 2 साल के बाद उसको 3 लाख मिलेंगे और 6 साल के बाद 6 लाख मिलेंगे। ये सपना नहीं है, हमारे मॉडल खड़े हैं, 1000 लोगों ने देखे हैं, और वो आप कभी भी आकर महाराष्ट्र में, गुजरात में वो मॉडल देख सकते हैं। आपके सामने आप देखेंगे चमत्कार कि फल पेड़ ऊंचे बड़े हैं, उस पर फल लगे हैं, फल नहीं गिर रहे हैं, रासायनिक के फल गिर रहे हैं, उसके बीच में अगस्त है, उसके ऊपर पान की बेल चढ़ी है, ब्लैक पीपल चढ़ी है, नीचे फल सब्जियां, टमाटर, बैंगन, सभी तरह की हरी सब्जियां भी हैं, उसमें मिलेट भी हैं, उसमें दाल वर्गीय भी है, चना है, सब कुछ है, मूंग है, उड़द है, सब कुछ है, उसमें मूंगफली भी है तेल खाने के लिए, सरसों भी लगाया है, उसमें हल्दी अदरक भी लगाई है, जीरा सब लिया है। अने घर में खाना पकाने के लिए चाहिए, हम उसमें 1 एकड़ में ले रहे, खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, आत्मनिर्भर परिवार बन गया, आत्मनिर्भर परिवार बन जाएगा तो 6.5 लाख देहात आत्मनिर्भर बन जाएगा, देश आत्मनिर्भर बनेगा। केवल आत्मनिर्भर भारत घोषणा करने से नहीं होगा, क्योंकि 6.5 लाख देहातों को हम आत्मनिर्भर बनाना है, वो इसी विधि से हो सकता है। इसमें 2 बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी कृष्णपाल जी हैं, सोमिन जी हैं, बंगाल से आ रहे हैं, वो मेरा शिविर लेना चाहते, तो मैंने तो हाँ कह दिया है, लेकिन 2 बातें करना है। किसान संगठनों के साथ आपस में जो फैक्शन पड़े हैं उनको एक साथ बैठना ही है किसानों के हित में। आप सरकार से लड़ाई जारी रखें, हम आपको मनाई नहीं करेंगे, लेकिन एक बात तय करिए कि सरकार के पास कोई समाधान नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उनको रोकेगा। सरकार के मन में है लेकिन वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की उनको थोड़ी लिमिटेशंस, मर्यादाएँ आती है, लेकिन हमारे किसान को कोई मर्यादा नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। तो 2 बातें एक साथ चल सकती है, आंदोलन चल सकता है, लेकिन किसानों को मॉडल खड़ा करने के लिए किसानों के सम्मेलन अलग से लेना ये भी आवश्यक हो गए। आप वो सम्मेलन लीजिए बड़े बड़े, वो चलेगा, लेकिन किसानों के सम्मेलन इस विषय पर आप अलग से लें तो इससे किसान खड़ा हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा किसान को सरकार से मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, तो आंदोलन की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, कि वो आत्मनिर्भर बनेगा। तो मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से कि बहुत अच्छी पहल आपने उत्तरी भारत में ली, और सोमेन जी ने जो उनका नेटवर्क है उत्तर पूर्वी राज्यों में और बिहार में, उनके माध्यम से मुझे लगता है कि हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जो शिविर आपने मांगा है मैं जरूर दूंगा, जितना संभव है आपको हम मदद करेंगे, आप चिंता न करें, केवल लगे रहिए। और एक बात अंत में बताऊंगा, हम किसान हैं, हमारे हाथ ऐसे हैं, हम देते हैं, दाता है, भीख मंगे नहीं है, किसी को मांगना नहीं है, हमारे मुट्ठी में सब कुछ है, किसी को मांगना नहीं है। ये आत्मसम्मान अभी हमने खो दिया है, वो 2 बार हमें प्राप्त करना है, और दाता के रूप में ही रहना है, शान से रहना है। अगर हमारी मुट्ठी में है तो मुट्ठी में कैसे है, 3 दिन के शिविर में बताया जाएगा, और हमें जो मॉडल है वो हमें आपको दिखाए जाएंगे, तो मुझे निश्चित लगता है कि जरूर एक नई क्रांति इस उत्तरी भारत में और उत्तर पूर्वी राज्यों में जरूर आएगी। हम जितना भी संभव है हम आपको मदद करेंगे। हमारे संजीव कुमार जी है, बाकी जो हमारे किसान हैं जो मॉडल खड़ा कर दिए हैं वो भी आपको सहयोग करेंगे, आप चिंता न करें। लेकिन ये जो आपने पहल की है, निश्चित ही एक नया
क्रांति का जन आंदोलन आप खड़ा करने चाहते, आपको शुभेच्छा शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय श्री शंभो, नमस्कार। सर ने सभी बताया, सभी देशवासियों को भी जानकारी है कि सर को पद्मश्री भी मिला है सुभाष पालेकर के हिसाब से ही नहीं, उनका जो खेती है उनके बारे में उन्होंने डिटेल्स जानकारी दे दिया है कि किस तरीके से किसान को फायदा हो पाएगा, किस तरीके से एक एकड़ जमीन में कितना प्रॉफिट आ पाएगा एक साल में ही। उन्होंने चैलेंज के साथ सबका सामने ही इन्होंने बात बताया कि एक एकड़ जमीन में रासायनिक खेती करके दिखाए, और हमारा जो सिस्टम है सुभाष पालेकर के सिस्टम में जो है उसमें क्या अंतर रहेगा, एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऑलरेडी देश में कहीं सारी जगह में इसका ऑलरेडी प्रोजेक्ट रेडी है, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के बिहेफ में सर को मैंने रिक्वेस्ट किया है, सर ने हमारा ऑर्गेनाइजेशन के चलते हुए सर ने उन्होंने राजी हुआ है, उन्होंने हाँ कर दिया है। बहुत जल्दी हमारा पश्चिम बंगाल में एक शिविर होने जा रहा है, जिसके बारे में मैं अगला वीडियो में जानकारी दे दूंगा। सर को बहुत बहुत बधाई हो, नमस्कार।